उत्तराखंड की गढ़वाल सीट पर सी वोटर सर्वे में भाजपा को देख रही बढ़त। चुनाव से पहले हुए ओपिनियन पोल में भाजपा को 46 फीसदी वोट का अनुमान, 38 फीसदी वोट के साथ कांग्रेस से रही टक्कर, आपको 11 फीसदी वोट का अनुमान। उत्तराखंड के गढ़वाल में भाजपा को साफ दिख रही बढ़त। सी वोटर सर्वे के अनुमान के मुताबिक यहां भाजपा को 17 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस को यहां 8 से 14 सीटें मिल सकती हैं, आपको मिल सकता है 0 से 1 सीट। सी वोटर सर्वे में कुमाऊं रीजन में दिलचस्प मुकाबला, भाजपा कांग्रेस में दिख रही कांटे की टक्कर, दोनों पार्टियों को 42 फीसदी वोट का अनुमान, आपको मिल सकते हैं 12 फीसदी वोट। सी वोटर की सीटों के अनुमान के मुताबिक कुमाऊं में कांग्रेस को मिल रही बढ़त, 9 से 15 सीटों के साथ कांग्रेस निकल सकती आगे, भाजपा को यहां 7 से 11 सीट मिलने का अनुमान है, आपका नहीं खुल रहा खाता। मैदान में भी विपक्षी दल कांग्रेस को मिल सकती है बढ़त। सी वोटर सर्वे के अनुमान के मुताबिक मैदान में कांग्रेस को 43 फीसदी तो भाजपा को 39 फीसदी वोट का अनुमान, आपको 16% वोट का अनुमान। सी वोटर अनुमान के मुताबिक मैदान में कांग्रेस को मिल सकती है बढ़त, 10 से 16 सीट के साथ कांग्रेस करेगी लीड, 4 से 8 सीट के अनुमान के साथ मैदान में कांग्रेस से पिछड़ रही भाजपा, आपको 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान। उत्तराखंड विधानसभा 2022 में भाजपा कांग्रेस के बीच दिख रही कांटे की टक्कर, सी वोटर सर्वे के अनुमान के मुताबिक सत्ताधारी भाजपा को 43 फीसदी वोट का अनुमान, वहीं विपक्षी कांग्रेस 41 फीसदी वोट के साथ दे सकती है कांटे की टक्कर, आपको 13 फीसदी वोट का अनुमान। उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस के बीच दिख रही कांटे की टक्कर, 31 से 37 सीटों के साथ भाजपा फिर से बना सकती है सरकार, वहीं 30 से 36 सीटों के साथ कांग्रेस भी कर सकती है वापसी, करीब होता दिख रहा उत्तराखंड का मुकाबला। सी वोटर सर्वे के ओपिनियन पोल में उत्तराखंड में पसंदीदा सीएम उम्मीदवार को में हरदा को बढ़त, 39 फीसदी लोगों की पसंद हरीश रावत, वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी 36 फीसदी लोगों की पसंद हरदा को दे रहे कड़ी टक्कर। सी वोटर ओपिनियन पोल में पश्चिमी यूपी में भाजपा सपा में दिख रही कांटे की टक्कर, पश्चिमी यूपी में भाजपा प्लस को 39% वोट का अनुमान, वहीं सपा प्लस को 36% वोट का अनुमान दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल में पश्चिमी यूपी में सत्ता पक्ष पर विपक्ष में दिख रही कांटे की टक्कर, पश्चिमी यूपी में भाजपा को 71 से 75 सीट का अनुमान, वहीं सपा गठबंधन को मिल सकती है 50 से 54 सीट, बसपा को 8 से 10, कांग्रेस को 1 से 3 सीट का अनुमान। फाइनल ओपिनियन पोल में अवध में भाजपा प्लस को दिख रही बढ़त, अवध में भाजपा प्लस को मिल सकते हैं 44% वोट, सपा प्लस को 34% वोट मिलने का अनुमान है, बसपा को 12%, कांग्रेस को 7% वोट का अनुमान। फाइनल ओपिनियन पोल में अवध क्षेत्र में भाजपा प्लस को बढ़त का अनुमान, भाजपा प्लस को मिल सकती है 71 से 75 सीट, सपा प्लस को 41 से 45 सीट मिलने का अनुमान, बसपा को 1 से 3 और कांग्रेस को मिल सकती है 0 से 1 सीट। फाइनल ओपिनियन पोल में बुंदेलखंड में भाजपा प्लस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, भाजपा प्लस को बुंदेलखंड में मिल सकते हैं 44% वोट, 31% वोट के साथ यहां दूसरे नंबर पर दिख रही है समाजवादी पार्टी, 15% वोट और 8% वोट के साथ पिछड़ रहे बसपा और कांग्रेस। फाइनल ओपिनियन पोल में बुंदेलखंड में भाजपा प्लस को का दबदबा कायम, 13 से 17 सीटों पर बुंदेलखंड में भाजपा गठबंधन को बढ़त का अनुमान, सपा प्लस को 2 से 6 सीट पर दर्ज कर सकती है जी। फाइनल ओपिनियन पोल में पूर्वांचल में भाजपा प्लस को बढ़त, भाजपा प्लस को 40% वोट मिलने का अनुमान है, वहीं सपा प्लस को मिल सकती है 36% वोट, बसपा को 14% तो वहीं कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान है। फाइनल ओपिनियन पोल में पूर्वांचल में भाजपा प्लस को 68 से 72 सीटों पर बढ़त का अनुमान, 44 से 48 सीटों पर सपा प्लस रह सकती है आगे, बसपा को 5 से 7 और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान। फाइनल ओपिनियन पोल में यूपी में भाजपा प्लस को बढ़त, भाजपा प्लस को मिल सकते 41% वोट, सपा प्लस के खाते में जा सकते हैं 35% वोट, 14% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रह सकती है बसपा, 7% वोट के साथ पिछड़ रही है कांग्रेस। फाइनल ओपिनियन पोल में यूपी में फिर बन सकती है भाजपा सरकार, भाजपा प्लस को मिल सकती है 225 से 237 सीट, 139 से 151 सीटों के साथ सपा प्लस दे रही अच्छी टक्कर, बसपा 13 से 21 और कांग्रेस 4 से 8 सीटों पर सिमट सकती है।
ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार है। सर्वे में 44% लोगों के पसंद के साथ सीएम उम्मीदवार के लिए पहले स्थान पर योगी आदित्यनाथ हैं। अखिलेश यादव को 34% लोग देखना चाहते हैं सीएम, मायावती को 16% लोग, प्रियंका को 4% लोग सीएम का चेहरा देखना चाहते हैं।